हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस टोकन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है मेटागुची। ये एक ERC-20 टोकन है, यानी कि इसे बनाया गया इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। और जैसे कि भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें मैं CMC की वेबसाइट पे हूँ एंड टुडे इट इज़ अप बाय अप्रॉक्स 55%। एंड एक बार इसकी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि भी आप देख सकते हैं, इसमें मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ एंड लाइक आई सेड अर्लियर, इट इज़ मेड अप ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन एंड इट इज़ अ ERC-20 टोकन। एंड मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता दूं कि अगर आप कोई भी टोकन बाय करते हैं तो सबसे पहले आप उसका वाइट पेपर रीड करिए, क्योंकि इसमें आपको उस टोकन की हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा कि वो इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, ये टोकन की टोकनॉमिक्स क्या है एंड दी अदर एस्पेक्ट यू विल गेट टू नो। सो लाइक अभी मैंने इसका वाइट पेपर ओपन करा है। एंड सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द टामागोची कॉन्सेप्ट। टामागोची एक्चुअली एक वर्चुअल पेट गेम था। इट इज़ अ काइंड ऑफ टॉय विच वॉज वेरी पॉपुलर इन द अर्ली 2000 एंड ये काफ़ी पॉपुलर एक वर्चुअल गेम था जापान में। इट वॉज अ काइंड ऑफ वर्चुअल पैट एंड जैसे कि इसमें शेप बना रखी है यहाँ पे इमेज में, इस तरह का ही ये एक गेम था एंड ये उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जापान में। तो मेटावर्स एंड टामागोची इन दोनों से इंस्पायर होकर इस टोकन को बनाया गया एंड इट इज़ कॉल्ड मेटागोची। एंड एक बार अगर हम इसके अदर थिंग्स के बारे में बात करते हैं, लाइक इट्स टीम एंड दूसरी चीज़ें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक NFT प्लेटफॉर्म होने वाला है। इसमें NFT बाय सेल की जा सकती हैं एंड NFT बनाई भी जाएंगी इसमें काफ़ी सारी। एंड लाइक आई सेड, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द मेटावर्स ऑल्सो। सो इसमें मेटावर्स रिलेटेड भी काफ़ी सारे ईस्टर एग्स एंड उसके NFTs भी लॉन्च होंगी। एंड इसमें क्या होगा कि लाइक जैसे यहाँ पे कलेक्ट ट्रेन अर्न लिखा हुआ है एंड इट इज़ मैंट टू से लाइक अगर हम इसके टोकनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो टोटल टैक्स है इसके बाय एंड सेल पे वो है 9%। यानी कि अगर कोई भी इसको बाय या सेल करेगा तो उसको इसकी 4% जो भी इसका बाय सेल का होगा 4% जाएगा इसके होल्डर्स के पास, जो कि उसको रिफ्लेक्शंस में मिलेंगे एंड 5% जाएगा इनके मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट टैक्स में, ताकि कम्युनिटी और ज़्यादा ग्रो कर सके। एंड लाइक आप यहाँ पर अगर रीड कर सकते हैं, इसकी टोटल सप्लाई है 1 क्वाड की, 1 क्विंटिलियन एंड 99% जो है वो लिक्विडिटी में ऐड है एंड 1% जो टोकन है वो डेफ टोकन है। एंड इसकी दूसरी चीज़ें भी हम चेक कर लेते हैं इनके वेबसाइट में, मैं इसमें वापस आ गया हूँ। लाइक अगर आपको इसको बाय करना है तो आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं, लाइक आई सेड इट इज़ अ ERC-20 टोकन, यानी कि इसे बनाए गए इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं एक बार इनका हाउ टू बाय प्रोसेस आपको बता देता हूँ। लाइक हियर इज़ द हाउ टू बाय पेज। सो सिंपली ये अभी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो आपको इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू ही बाय करना पड़ेगा, लाइक वॉलेट्स, मेटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट। सिंपली आपको पहले एक वॉलेट डाउनलोड करना है एंड देन उस पर अपनी की के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आप उसमें यूनिसेफ के थ्रू इसको बाय कर सकते हैं। मैंने एक ट्रस्ट वॉलेट में कैसे टोकन बाय कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड इस टोकन के बारे में जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी उनमें से उनकी बात कर लेते हैं अब। लाइक अभी मैं इनके इथेरियम स्कैन पेज पे हूँ, इनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे, एंड लाइक यू कैन सी इनका जो अभी होल्डर काउंट है वो है 3360 एंड इतनी अर्ली स्टेज पे इनका इतना अच्छा होल्डर काउंट हो गया, इट इज़ वेरी गुड। एंड जो अच्छी चीज़ मुझे इसके बारे में लग रही थी वो ये है कि अगर मैं इनके होल्डर सेक्शन में जाता हूँ तो इनके फर्स्ट वॉलेट की बात करता हूँ, फर्स्ट वन इज़ द यूनिसेफ वॉलेट। एंड अगर इनके फर्स्ट वॉलेट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द होल्डिंग, तो फर्स्ट वॉलेट जो है वो ओनली 2.8% होल्ड कर रहा है टोटल टोकन्स का एंड सेकंड वॉलेट इज़ होल्डिंग ओनली 2.7% एंड उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद जितने भी होल्डर्स हैं सारी 1% 1.2 1.3% ऑफ द टोटल टोकन होल्ड कर रहे हैं एंड देन 0.5 0.6 0.7। सो इसका होल्डर जो सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट जल्दी रकबल नहीं होते हैं। रिलेटिवली ऐसे नए प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें जो होल्डर सेक्शन होता है उसमें टॉप फर्स्ट और टॉप सेकंड वॉलेट जनरली 15% या 20% की होल्डिंग कर रहे होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड जो दूसरी चीज़ है, इनका आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी काफ़ी अच्छा बन रहा है एंड इसका जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने यू कब लिया था एंड नाउ इट मे अगेन कंसोलिडेट अ लिटल। एंड इसका मार्केट कैप की अगर बात करता हूँ तो इट इज़ ओनली 4.6 मिलियन एंड आई बॉट दिस टोकन टुडे एट द प्राइस ऑफ 3.3 मिलियन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 मिलियन मार्केट कैप फ्रॉम दिस टोकन एंड इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं इतनी अर्ली स्टेज पे, डेट इज़ 1.6 लाख डॉलर्स।
सो अगर आपको इस टोकन को बाय करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, हाउ टू बाय टोकन्स ऑन ट्रस्ट वॉलेट, देन यू कैन बाय द सेम टोकन एंड बाय अप्लाइंग द कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ द मेटागॉशी टोकन। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।